तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी कार में कुछ नया अपग्रेड करवाने जा रहे हैं और ये जो अपग्रेडेशन होगा ये जेन्युइन प्रोडक्ट ही होगा। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा नहीं कि क्या प्रोडक्ट मैं परचेज़ कर रहा हूँ, कार का एसेसरीज कौन सा पार्ट्स में परचेज़ कर रहा हूँ। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और बताइएगा कैसा लगा मेरा सस्पेंस। तो हम आ चुके हैं टाटा के शोरूम में और ये टाटा का जेके रोड का वरेनियम शोरूम है। ये देखिए, यहाँ पे टाटा ही टाटा, टाटा ही टाटा मिलेंगी दादा। गाड़ी है हमारी अब बिल्कुल एसेसरीज के लिए बिल्कुल लग चुकी है और रोहित भैया इस गाड़ी को पार्किंग कर रहे हैं एसेसरीज लगाने के लिए। और गाड़ी तो हमारी ऑलमोस्ट सुपर डुपर हिट गाड़ी है, भोपाल की फेमस कार है मेरी। बहुत अच्छे से बढ़िया ने पार्क कर दी गाड़ी और ये हम हैं जेके रोड वरेनियम शोरूम में। जो आते समय हमेशा जेके रोड से आना है और मिनाल की तरफ जो ये रास्ता निकला हुआ है, ये मिनाल की तरफ, वो उसके बीच में ही ये लेफ्ट हैंड साइड में ही शोरूम पड़ेगा आपको, वरेनियम का शोरूम। हालांकि वरेनियम के चार शोरूम हैं, एक जींसी में है, एक होशंगाबाद रोड में है और एक अपना जेके रोड में है और एक आशिमा मॉल पर है। तो ये जो शोरूम है ये जेके रोड वाला वरेनियम शोरूम है और ये रोहित भैया ने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब देखते हैं रोहित भैया इसमें कैसे क्या करते हैं, सारे एसेसरीज पार्ट्स कैसे लगाते हैं, है ना। तो जो हमारा एसेसरीज का पार्ट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। ये हमारी गाड़ी का अंदर का इंटीरियर का लुक है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और रोहित भैया बैठते हुए गाड़ी में और रोहित भैया स्टार्ट करते हुए, रोहित भैया, और ये रोहित भैया ने अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे पानी गिरने लगा है और इसलिए हम थोड़ा सा ये छत के नीचे आ गए हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि जब तक रोहित भैया अपना खोलते हैं मैं बाकी का आपको आगे बताता हूँ, जब तक हो सकता है थोड़ा सा पानी भी कम हो जाए। पानी ने ना सारा ही काम ख़राब कर दिया है भोपाल में आज। तो आप भैया लोग जो हैं यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अब ये गाड़ी को अपनी अंदर वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं। तो अब अपन वर्कशॉप में अपनी गाड़ी का काम करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी गाड़ी के लिए, इसलिए अपन बहुत अच्छा समय निकाल कर आए हैं, लेकिन ये पानी ने गिरना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, ये भी अपना काम कर रहे हैं। ये भी आपने वर्कशॉप के अंदर ले जाते हुए गाड़ी को और ये वर्कशॉप के अंदर चली गई अपनी गाड़ी। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या कैसी प्रोसेस होती है, गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये भैया लोग जो हैं वर्कशॉप के अंदर अपनी गाड़ी को लेकर आ चुके हैं क्योंकि बाहर मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से भैया लोगों ने थोड़ा सा अपने वर्कशॉप के अंदर गाड़ी लेके आ गए हैं। तो अब वर्कशॉप के अंदर काम करेंगे। तो ये दो भैया जो हैं अपना काम कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष है, आप कौन से डिपार्टमेंट में? यहाँ पे एसेसरीज फिटिंग में हो। तो ये भैया का नाम संतोष है और ये भैया एसेसरीज डिपार्टमेंट में है जो कि अभी मेरे ग्लो बॉक्स के अंदर का नट खोल रहे हैं। और भैया आपका नाम क्या है वैसे? पंकज। पंकज नाम है, आप भी एसेसरीज डिपार्टमेंट में है। तो ये भी एसेसरीज डिपार्टमेंट में, ये दोनों भैया और जो हमारे मेन मुख्य अतिथि, जो मेन मुख्य है हमारे, ये रोहित जी हैं जो एसेसरीज डिपार्टमेंट से ये भी हैं और इन्हीं के थ्रू ही अपना सारा काम जो है गाड़ी में हो रहा है। और पंकज भैया जो है ये साइड से पैनल खोल रहे हैं। अब अंधेरा तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, करते हैं कुछ ना कुछ। ये जो है हमारे कैमरे की वायरिंग आ चुकी है, रोहित भैया कैमरे की वायरिंग को सुलझाते हुए। अब ये पूरी वायरिंग जो है आगे के कपड़ से लेकर ये पूरी ही वायरिंग अंडरग्राउंड होते हुए पीछे के कपड़ तक जाएगी जो अपन पीछे इंस्टॉल करेंगे कैमरा। तो इतनी सारी वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम अपनी गाड़ी में क्या करवाने जा रहे हैं। तो हम अपनी गाड़ी में अपग्रेड करने जा रहे हैं अपना म्यूज़िक सिस्टम, जो कि टाटा का जेन्युइन ही एसेसरीज पार्ट है और इस पार्ट्स का नाम है क्रॉस लिंक, जो है आता है 9 इंच के एंड्रॉयड प्लेयर के साथ। ये जो है हमारा ओल्ड वाला म्यूज़िक सिस्टम है जो 2 DIN में आता है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस और काफ़ी अच्छा इसकी क्वालिटी रहती है। बट ये क्या है ना, सिर्फ ओनली ब्लूटूथ और FM ही चलता है, इसी के वजह से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं।
और संतोष भैया इसको काफ़ी अच्छे से अपग्रेड करेंगे। संतोष भैया अपनी गाड़ी समझ के इसको अपग्रेड करिएगा, है ना, बिल्कुल बढ़िया। और कभी भी अगर किसी को भी वरेनियम शोरूम से रिलेटेड कभी भी कोई काम करना है, करवाना है एसोसिएटेड डिपार्टमेंट, तो संतोष भैया से आके मिल सकते हो। संतोष भैया जो है अभी जेके रोड में अपने कार्यरत हैं और एसेसरी डिपार्टमेंट में संतोष भैया मिलेंगे आपको। तो अब जो है अब अपनी गाड़ी में अपना कैनवास वायरिंग की जो इंस्टॉलेशन है वो हो रही है, तो संतोष भैया बताएंगे अपन को का कैनवास की वायरिंग वो कैसे कर रहे हैं। तो बताइए संतोष भैया। सर ये कैनवास वायरिंग अपन डाल चुके हैं, ये जो कैनवास के बाद अपना यूएसबी और प्लस एफएम जी एफएम की लीड डल रही है। यूएसबी और एफएम की लीड भैया अंदर से वायरिंग कर रहे हैं और कैनवास भैया ने इंस्टॉल कर दिया है, हालांकि मैं कैनवास आपको नहीं दिखा पाया। दिखा जी ठीक है, ये देखिए ये निकल चुकी है, ये जो वायरिंग है भैया ने नीचे से ऊपर की तरफ इसको खींच के वायरिंग को कर लिया है। ये जो है एफएम की वायरिंग है, ये वाली जो है एफएम की वायरिंग है और ये वाली वायरिंग आई के भैया ये अपनी यूएसबी वायरिंग है, यूएसबी के वायरिंग है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी इस गाड़ी में का जो स्टीयरिंग में जो कंट्रोल्स वगैरह हैं और उसके अलावा ये जो डैश में जो कंट्रोल्स वगैरह हैं ये वाले, ये सारे अपने कैनवास के थ्रू ही वर्किंग करेंगे और इसके लिए कोई ऐसा अलग से नहीं है कि अपन का बंद हो जाए वो वायरिंग, तो जो भी है कैनवास के थ्रू ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। और संतोष भैया साइड से नीचे लेट किया वायरिंग को काम करेंगे अंदर जाकर। ये जो लटक रहा है ये कैनवास होता है, कैनवास के वायरिंग होती है और इसके अंदर एक सिल्वर बॉक्स होता है और उस सिल्वर बॉक्स के अंदर से जो वायर्स वगैरह होते हैं वो कैनवास के थ्रू ऐड होते हैं। तो मैं आपको सिल्वर बॉक्स दिखा देता हूँ, ये जो सिल्वर बॉक्स लगा हुआ है ये जो भैया खोल रहे हैं संतोष भैया, ये सिल्वर बॉक्स है और इसी में ही जो कपलर टू कपलर जो फिट होते हैं वो पूरा कैनवास के थ्रू ही कपलर टू कपलर फिट करेंगे अपन। तो ये सिल्वर बॉक्स ही होता है जो अपने इन्फोटेंट सिस्टम को जो पूरा सप्लाई करता है हर चीज़ के लिए, इसी के थ्रू ही पूरा अपना इन्फोटेंट सिस्टम जो कंट्रोल में चलता है। तो ये जो भैया है कैनवास में देखिए ये जो ऐड कर रहे हैं, ये एक फर्स्ट प्लग इन ने ऐड कर दिया है, ये अपना स्पीकर को है, ये स्पीकर का कपलर है ये जो ब्राउन कलर का है। उसके बाद ये आ गया अपना इग्निशन का, इग्निशन का जी जिससे म्यूजिक सिस्टम ऑन होगा, जिससे म्यूजिक सिस्टम ऑन होगा। उसके बाद ये अपना इग्निशन एक हो जाएगा मेन कपलर में। अच्छा ये देखिए ये जो है एक और इग्निशन का ऑप्शन है जो कपलर में जा रहा है डायरेक्टली, और ये अपना स्टीयरिंग कंट्रोल, जो अपना स्टीयरिंग कंट्रोल है ना हाँ, ये उसका कपलर है, ये येलो और ब्लू वाला जो है, ये येलो और जो ब्लू है वो हमारे स्टीयरिंग का कंट्रोल है जो भैया इसको डायरेक्ट सिल्वर बॉक्स में फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद अपन निकालेंगे अपना, प्रॉपर तरीके से नहीं दिख पा रहा है क्योंकि स्पेस बड़ा कम होता है, लेकिन संतोष भैया को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्या बार बार हम उनको डिस्टर्ब करें, बट ठीक है वो संतोष भैया भी जितना हो उतना हेल्प हमारी कर रहे हैं बार बार बताकर। हम वर्कशॉप के अंदर हैं, पानी गिरने की वजह से हमें वर्कशॉप के अंदर काम करना पड़ रहा है और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है। संतोष भी अभी अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करके काम कर रहे हैं। आफ्टर मार्केट काम कराने में और शोरूम में काम कराने में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर अपन शोरूम में कराते हैं वो सारी ही चीज़ों को पर्टिकुलर और सिस्टमेटिक ही काम करते हैं, अगर यही चीज़ अगर हम आफ्टर मार्केट कराते तो शायद से वो तोड़ जुगाड़ कर कुरा के यहाँ से वहाँ फिट करके वायरिंग कट कुटा करके और वो सेट कर देते हैं, बट वो आगे जाके आज नहीं तो कल तो वो प्रॉब्लम कर ही देता है। क्योंकि ये जो ये काय का फिटिंग कर रहे हैं भैया, यूएसबी का कपलर है ये, कपलर ये जो यूएसबी का कपलर है ये भी पर्टिकुलर कपलर आता है, इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई शोरूम में काम कराने का हर चीज का आपको कपलर मिलेगा।
मतलब किसी भी चीज़ को वायरिंग कटिंग करके प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा अपन को किसी भी चीज़ को करना नहीं पड़ेगा। ये कौन सा वायर है भैया? ये FM का है। ये FM का वायर है। अच्छा भैया, इसमें जो माइक ये ऊपर लगा रहता है ये वाला जो माइक, ये चालू हो जाएगा क्या? हाँ सर, वर्क करेगा ना ये? वर्क करेगा जी। चलिए, तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे का भाई, इसका जो माइक है वो माइक लिए हम अलग से बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि वो स्टेयरिंग के पास या डैशबोर्ड के पास एक माइक छोड़ देते हैं, बट वो चीज़ थोड़ा सा और लगता है क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो चीज़ खराब हो जाएगी हिलडुल के। तो ये जो है पर्टिकुलर माइक जो है भैया अपना एक वो भी ऑन कर देंगे, और अक्सर आपने देखा होगा आफ्टर मार्केट की जो फिटमेंट होता है वो अक्सर ग्लो बॉक्स में दो पिन छोड़ देते हैं जिसमें अपन यूएसबी इंस्टॉल करें, यूएसबी लगाएं, उसके बाद वो चलेगा, तो बट वो चीज़ थोड़ा सा ऑड लगती है। तो जो भी चीज़ है शोरूम से कंपनी से करवाओगे तो आपका पर्टिकुलर सारी ही चीज़ें बेस्ट तरीके से होंगी। रोहित भैया जो हैं वो अपने रिवर्स कैमरे के लिए सॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद मेहनत लग रही है भैया की, लेकिन कंपनी से काम कराने में एक सेटिस्फेक्शन रहता है, अपन को विश्वास रहता है कि हाँ भाई हमें हमारी गाड़ी की वायरिंग किसी भी तरीके की कोई कटिंग नहीं हुई। आफ्टर मार्केट तो आप देखते रहोगे कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और काट भी देंगे तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो यही है कि कंपनी से काम कराने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं सारी चीज़ें हर चीज़ सिस्टमेटिक करूं, क्योंकि लाखों की चीज़ें कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम किसी एक अननोन व्यक्ति को अपन अपनी गाड़ी दे दें और वो क्या से क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। तो अब देखते हैं, अपन आगे दिखाते हैं भैया जब इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे कैमरे का तो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ इनका। रोहित भैया अपने कैमरे के फिटमेंट के लिए अभी खोल करेंगे जिसमें कैमरा अपना फिट होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ अब रोहित भैया कैसे होल्ड करते हैं। क्या बात है, क्या ना लाइन मिलाई है आपने रोहित भैया, एक बार और ऐसी वाली एक बार और प्लीज क्या लाइन मिलाई है। रोहित भैया ने जो है कैमरा अपना इंस्टॉल कर दिया है, हालांकि इसे अभी अपने तरीके से अंदर नहीं किया, ये हमेशा थोड़ा सा भी बाहर रहेगा, लेकिन जब ये अपना डिस्प्ले वहाँ पे लगेगा अंदर तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे अपन सेट करेंगे और फिर ये अपना भैया उसको अंदर पुश कर देंगे। तो ये क्लिप के थ्रू रहता है, जैसे ही पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं आगे की नेक्स्ट प्रोसेस का, बाकी का और क्या क्या बचा हुआ है। अपनी काफ़ी ज़्यादा वायरिंग में भैया लोगों ने कर दी है, तो देखते हैं आगे का। ये जो है हमारा डिस्प्ले आ चुका है और डिस्प्ले भी आप फिटिंग करेंगे, तो ये 9 इंचेस का एंड्रॉयड प्लेयर है ना, तो रोहित जी क्रॉस लिंक का रहेगा पूरा, ये क्रॉस रिंग का ये टच जो है अपना क्रॉस रिंग का एंड्रॉयड प्लेयर है। और भैया के जो हाथ में लेफ्ट हैंड में जो है ये कैनवास है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एंड्रॉयड प्लेयर को ऐड करने के लिए, जिससे हमारा ये वाला सिस्टम हो गया एंड स्टीयरिंग का कंट्रोल्स हो गया, यूएसबी हो गया, प्लस ये माइक हो गया, ये सारी चीज़ें इसी कैनवास के थ्रू कंट्रोल होंगी। और ये जो भैया के हाथ में है कैनवास है और ये अपना 9 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर है जो एक फ़ैन के साथ आता है कि अगर ज़्यादा हॉट होता है तो फ़ैन उसे कूल कर सके। और ये कैनवास का एंड्रॉयड प्लेयर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, IPS डिस्प्ले के साथ रहता है ये, क्योंकि टाटा अगर किसी चीज़ को है। और इसमें पंच की बैजिंग भी है और ये भैया जो है अब इसमें क्लिप ऐड कर रहे हैं और इसी में ही इसी फ्रेम में ही अपना 9 इंचेस का एंड्रॉयड प्लेयर जो है वो प्रॉपर सेट होगा। रोहित भैया जो है ये वायरिंग ऐड करते जा रहे हैं, अभी ने माइक का वायर ऐड कर दिया है एंड्रॉयड प्लेयर में। ये काय का है? गाइडलाइन, ये रिवर्स गाइडलाइन, जो रिवर्स कैमरे में जो गाइडलाइंस रहती है ये उसका है वायरिंग, कैमरे का ये कैमरे की वायरिंग हो रही है। और ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल कपलर टू कपलर होती है, सिर्फ अपन को प्लग इन प्ले करना है और अपनी चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती है। ये USB की वायरिंग कर दी भैया ने, कनेक्ट कर दिया इसको। आपका
एक सेकेंड, ये जो है GPRS की वायरिंग कर रहे हैं भैया, GPS की, ये GPS की वायरिंग है, इसी के ही थ्रू अपना लाइव मैप जो है चलेगा। बहुत अच्छे से भैया ने इसको प्लग कर दिया है, और ये अपना जो एंटीना होता है, ये जो रिवर्स में दिया रहता है FM के लिए, ये एंटीनर की वायरिंग हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट अपनी वायरिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी गाड़ी में जो है अब ये एंड्रॉयड प्लेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पार्ट्स होता है वो होता है ये अपना स्टीयरिंग कंट्रोल से पेयरिंग करने को। और अब भैया रोहित भैया जो हैं, अब अपन को ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो होता है उसको पेयर करके दिखा रहे हैं हमारे एंड्रॉयड के साथ, और प्लस इसके साथ साथ हमारा ये भी वर्क करेगा। और इसको भी अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये देख लीजिए आप। ये वर्क कर रहा है ना, ठीक है। बाकी ये सारे कंट्रोल, सब कंट्रोल काम, ये सारे करेंगे काम, ठीक है। तो चलिए अब स्टीयरिंग के लिए अपन कार सेटिंग में जाएंगे। जी, कार सेटिंग में गए जी, इस पे आपको फीचर मिलेगा स्टीयरिंग लर्निंग, स्टीयरिंग लर्निंग का, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे अपन। अब जैसे कि अपन को आगे बढ़ना है तो आगे वाला दबाएंगे, उसको दबा देंगे, ये होगा सेटअप सक्सेसफुल, सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। ब्रेक वाला, ठीक है ठीक है। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, कॉल रिसीव, इसमें कॉल रिसीव का ये ऊपर वाला, एंड म्यूट एंड कॉल एंड, तो ये वाला, ठीक है ठीक है। और ये आपका रहेगा सेंटर में, ये मोड्स का रहेगा जी, ठीक है। हाँ। ये होगा आपका पूरा सेटअप पेयर, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे FM सेट कर लेते हैं अपन। ये जो भैया है हमारा पूरा स्टीयरिंग को लर्न कर रहे हैं डिस्प्ले के साथ, और अब अपना ये जो FM है ये भी अपना लर्न हो रहा है अपने एंड्रॉयड प्लेयर के साथ। तो ये सारा अपना लर्न प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, और श्रोताओं को इस खेल में आ रहा है बड़ा, ठीक है बढ़िया, ठीक है सर जी, बेक करें अपन ने, ठीक है। बाकी इसमें YouTube है आपका, हाँ, एंड इसमें प्ले स्टोर भी है, इसमें आपको गूगल मैप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं अपन प्रोसेस उसकी भी, दो मिनट होल्ड कर दीजिए, अभी यही होल्ड कर दीजिए इसको आप। तो ये हमारा एंड्रॉयड प्लेयर अब लग चुका है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है चलाने में, तो बिल्कुल भी लैग नहीं मार रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्लॉसरिंग कंपनी का है, टाटा का जेन्युइन है। तो नमस्ते साथियों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टाटा पंच से रिलेटेड और भी वीडियो मैं लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।